हेलो दोस्तों, अभी रिसेंटली अभी 3 4 दिन पहले मैं गुड़गांव के हुड्डा ग्राउंड में गया था। एक यहाँ पे एग्जीबिशन थी बोमाकॉन एक्सपो की, और यहाँ पे काफ़ी सारी लेटेस्ट मशीनरीज आई हुई थी ऑल ओवर वर्ल्ड से। एग्जीबिशन थी यहाँ पे, चाइना, जर्मनी, गुजरात से काफ़ी सारी कंपनीज थी, और रोड कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी मशीनरीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। तो दोस्तों, इसमें से जो मुझे ऐसा चीज़ लगी जो कि आपके काम की हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप पिक में देख रहे हैं, ये बेसिकली शटरिंग है। आप जो नॉर्मल जो शटरिंग यूज़ करते हैं, जिसमें वुड की बलियाँ होती हैं और उसमें लोहे की प्लेट्स होती हैं, तो उसकी लाइफ काफ़ी कम रहती है। और अगर देखा जाए स्पीड के साथ है, तो ये जो रेड कलर के देख रहे हैं, ये बेसिकली जो वुड की जो बलियाँ होती हैं उनका अल्टरनेट है। और जो येलो कलर का राफ्टर देख रहे हैं, ये आपके जो स्लैब जो कास्ट होती है, उसकी जो शटरिंग होती है, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो बेस पे जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी शटरिंग जो है वो गिरे ना। अब दोस्तों, ये जो आप बैक साइड पे देख रहे हैं रेड और ब्लैक कलर के लंबे से फटे थे, अब ये बेसिकली जो रिटेनिंग वॉल होती है उसकी शटरिंग के लिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो इनर पार्ट है, उसमें जो कंक्रीट जो कास्ट होगी उसकी फिनिशिंग के लिए प्लाई का बेस है, और आउटसाइड में जो है नॉर्मल आपका जो भी GI मटेरियल है वो है। अब देखिए, इसका जो इनर फेस है वो उसमें प्लाई का यूज़ करा गया है, ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। और दोस्तों, इसकी जो प्लाई है, इसका इन्होंने मेरे को बताया था कि अगर इनकी अगर ठीक तरीके से ध्यान रखा जाए तो अराउंड 40 टाइम तक जो है वो इसका यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर आप 40 बार अगर कॉलम कास्ट करते हैं या फिर रिटेनिंग वॉल को कास्ट करते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों, जो रोड का कॉम्पेक्शन करने के लिए बड़े बड़े रोलर्स का यूज़ किया जाता है, या उसका छोटा वर्जन है। अगर आपका छोटे कहीं एरिया पे अगर कॉम्पेक्शन करना है, तो वहाँ पर आप इसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो आप कंक्रीट क्यूब्स देख रहे हैं, ये अलग अलग स्ट्रेंथ के कंक्रीट क्यूब हैं, M30, M50, और जैसे जैसे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। और दोस्तों, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें अलग अलग एडमिक्सर्स का यूज़ किया गया है, और जो हाई स्ट्रेंथ के जो कॉन्क्रीट क्यूब है उसमें जो एग्रीगेट का यूज़ किया गया है, स्मॉल साइज़ के एग्रीगेट का यूज़ किया गया। जो M30 है उसमें 10 और 20 mm का यूज़ किया गया, और जो M50 है उसमें 10 mm एग्रीगेट का ही यूज़ किया गया। और दोस्तों, ये जो कंक्रीट है, ये सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। इसका मतलब है कि जैसे हम कॉम्पैक्ट करने के लिए उसमें हम वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, इसमें वाइब्रेटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली जो कंक्रीट है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। और इसके लिए टेस्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों, जो सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होती है, उसका टेस्ट होता है कि कंक्रीट को एक कोनिकल चैम्बर में से गुजारा जाता है, और ये जो है वो एग्जैक्टली 12 सेकंड के अंदर जो है वो इसके अंदर से पास हो जानी चाहिए। अगर ये पास हो जाती है तो ये सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, और अगर ये नहीं होती तो ये सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट नहीं है। अब फिर दोस्तों, ये नेक्स्ट टेस्ट है। अब जैसे स्लम टेस्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग ही ये देखिए, इसमें जो सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है ये फिल करके, और इसको धीरे धीरे जो है कंक्रीट को नीचे फैलाया जाता है। और ये जो कंक्रीट जब पूरी तरीके से फैल जाती है, इसकी मेज़रमेंट ली जाती है, और इसकी मेज़रमेंट जो हमने ली है, इसकी किस स्टैंडर्ड कितना जो है कंक्रीट फैला है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका पता चलता है कि ये सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है कि नहीं है। फिर ये जो इनका एक प्लांट है, उसका एक छोटा रूप है कि हम जो एग्रीगेट है उसके अंदर से हम सिल्ट को कैसे अलग करते हैं। पानी के अंदर मिला जाते हैं, सिल्ट ऊपर हो जाती है, और नीचे जो है वो एग्रीगेट अलग हो जाते हैं छोटे वाले, और इस तरीके से जो हम अलग अलग करते हैं सिल्ट और एग्रीगेट को। दोस्तों, ये जो है बेसिकली छोटे मॉडल्स हैं, जो कंपनीज के जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं उनका छोटा मॉडल दिखाया गया कि इस तरीके से कंपनी जो है प्रोजेक्ट में काम करती है। और दोस्तों, ये जो आप पिक में देख रहे हैं, ये बेसिकली 6.5 लाख का एक मशीन है। इसके अंदर बिटुमिन का जो है वो पूरा मिक्सचर तैयार होता है, और स्प्रे करके जो है वो बिटुमिन का छिड़काव किया जाता है रोड पर। फिर दोस्तों, ये सैनी कंपनीज के
मशीन्स हैं और ये अपना कुछ कर्तव्य दिखा रहे थे यहाँ पर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो ये उसका एक छोटा सा क्लिप है, ये बेसिकली गुब्बारा फोड़ रहे हैं अपने, जहाँ से मिट्टी निकालते हैं उससे गुब्बारा फोड़ रहे हैं। और इस तरीके के अलग अलग ब्रांड्स अपने को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इस यहाँ पर जो है वो स्टंट्स कर रहे थे। और देखिए बैलून को फोड़ा और ये फोड़ दिया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। फिर दोस्तों ये जो पिक में आप अलग अलग ब्रिक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली अपने प्लांट को सेल कर रहे थे। और इनका प्लांट की जो मिनिमम कॉस्ट थी, जो कि एक घंटे में 1000 ब्रिक्स बनाता है, उसकी कॉस्ट थी 15 लाख रुपीज़। और ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली फ्लाई ऐश बेस्ड ब्रिक हैं। इसमें 65 से 70% मटीरियल फ्लाई ऐश है, यानी फ्लाई ऐश वो मटीरियल होता है जो कि थर्मल प्लांट से निकलता है। और हमें पता है कि फ्यूचर में जो रेड ब्रिक्स होती है उसको बेसिकली जो मिट्टी से वो बनती है उसको ज़मीन से खोद के बनाया जाता है। और फ्यूचर में इसके ऊपर बैन तो लगने ही वाला है, तो अगर हम अभी से इसकी तरफ जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपके घर के भी आसपास अगर थर्मल प्लांट है और अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप इसे मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो फ्लाई ऐश है वो अराउंड जो 65% जो मटेरियल यूज़ होना है इस ब्रिक में वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि वेस्टेज रहता है उनकी थर्मल प्लांट की तरफ से। और इसमें सिर्फ 5 से 10% ही जो है सीमेंट यूज़ किया जाता है। और इसके बीच में जो होल्स है ये जो है थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 से 3 रुपये की जो कॉस्टिंग आपकी ब्रिक की पड़ती है, तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है अगर हम जो है अगर करना चाहते हैं तो। और अगर हम जो ब्रिक्स हैं अगर इसका भी यूज़ करें तो ये भी बहुत अच्छी है। फिर दोस्तों ये थी डोका कंपनी, ये ऑस्ट्रिया की कंपनी है, ये भी फॉर्म वर्क भी ही बनाती है। और इसकी जो प्राइस थे वो अराउंड 8000 रुपीज़ मीटर की कॉस्टिंग थी जो कि शटरिंग। फिर दोस्तों ये एक प्लांट था जो कि रोड कंस्ट्रक्शन का जो बिटुमिन बनता है उसमें जो जो भी रेसिपी लगती है उसका प्रॉपर प्रपोर्शन लेकर के बिल्कुल रेडी करके इसमें फिर जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये पूरा प्लांट आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो पहाड़ों पे होना है तो वहाँ पर पूरा प्लांट को इंस्टॉल कर दीजिए। और उसके बाद जो है रोड कंस्ट्रक्शन को आपका जो मटेरियल है वो नीचे से नहीं लेके जाना पड़ेगा, तो इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो काफ़ी बचेगी। दोस्तों ये जो पूरा एग्जीबिशन था ये अराउंड 80 से 90% जो पूरा एग्जीबिशन था वो रोड कंस्ट्रक्शन और बड़ी बड़ी जो मशीनरी है उसको प्रमोट करने के लिए था। यहाँ पे होंडाई, एसीई, सैनी, जेसीबी, अलग अलग बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी मशीनरीज को प्रमोट किया गया था। और हमारे जो सिविल से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे जिसको मैं क्रैप करने गया था तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर हमारी इस तरह की वीडियोस को भी मिस नहीं करना चाहते प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।